हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी बॉटनी स्पेशल। बॉटनी स्पेशल में हम चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों की जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, इसके अलावा पीसीएस और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में जो प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा कर रहे थे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और जो आप गलतियां एग्ज़ाम में करके आते हैं तो वो तभी सही हो सकती हैं जब आप लगातार पूर्व में हुए पेपरों को सॉल्व करें। उस एरिया का, जैसे बायोलॉजी का है, वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, पेपर ज़रूर आप सॉल्व करें। उससे आपकी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे पकड़ बनती है। और दूसरा, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना या कंफ्यूज होकर जो गलत करके आते हैं उनकी संभावना जीरो हो जाती है। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें, थोड़ा सा ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको शेयर करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए। तो आज का, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 97/1234 इस तरह से मिलेगा। ये बॉटनी स्पेशल प्लेलिस्ट में आएगा। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी और बॉटनी में जो क्वेश्चन आते हैं या पीसीएस में, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। सिलेबस में जैसे प्रोटोजोवा दिया हुआ है तो प्रोटोजोवा आपको मिलेगा। एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट बनी होगी। एनिमल किंगडम में प्रोटोजोवा, एनिलिडा, प्लेटीहेलमिंथीज और आपका एनिलिडा और पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, पाइला, एम्फियोक्सस, इस तरह से सारे ऑर्गेनिम, स्केलियोडॉन, तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो एनिमल किंगडम में आपको सारे वीडियो ये वाले मिलेंगे। दूसरे, आप प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी है, एनिमल फिजियोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी है, आप नर्वस सिस्टम की बनी हुई है। नर्वस सिस्टम की प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया, कई लोगों ने कहा था पहला दूसरा वीडियो सर नहीं दिख रहा है, तो नर्वस सिस्टम की हमने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। एनाटॉमी से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको देखिएगा। तो यहाँ जैसे कि आपसे हमने वादा किया उसी के अनुसार अपना वीडियो शुरू करते हैं, आप देखिएगा। यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया है, विच जीनस ऑफ क्रूसी कुकरबिटेसी हैज बाईसेक्सुअल फ्लावर। कुकरबिटेसी का किस वंश में द्विलिंगी पुष्प होते हैं? देखिए, कुकरबिटेसी एक ऐसा मतलब वंश है जिसमें, फैमिली है जिसमें पौधे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मगर एक इनका ऐसा भी पौधा है जो बाईसेक्सुअल होता है, बस ये एक्सेप्शनल केस और एक्सेप्शनल केस एग्जाम में रखे मिलते हैं, तो वो है साइजोपीपॉन। ऑप्शन सी सही है, साइजोपीपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्ट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के पांच किंगडम में वर्गीकरण किसने सुझाया था? तो विटकेर थे जिन्होंने सुझाया था। इन्होंने एनिमेलिया और प्लांटी, मुझे याद नहीं आ रहा है, एनिमेलिया, प्लांटी और मोनेरा, नहीं मोनेरा, एनिमेलिया, प्लांटी और फंजी, और एक था एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, फंजी और प्रोटिस्टा, याद आ गया मुझे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी और फंजी, ये इनके पांच भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडोस्पर्म इज ए गैमेटोफाइटिक टिश्यू इन। भ्रूणपोष एक गैमेटोफाइटिक ऊतक है। ये क्वेश्चन कॉमन है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्जाम में जाओ ये कॉमन मिलता है, तो वो है जिम्नोस्पर्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द कंप्लीट अब्सेंस द आर्चिगोनिया इन दियर ओव्यूल। निम्नलिखित अनावृत बीजियों में से किसके बीजांड में जो आर्चिगोनियम होती है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो अब्सेंट रहता है? तो आप आंसर कीजिए 38 का। तो 38 का सही आंसर है किसमें? नीटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिश्यू बिटवीन द पॉलन चेम्बर एंड आर्चिगोनियल चेम्बर ऑफ साइकस इज। साइकस के पॉलन चेम्बर और आर्चिगोनियल चेम्बर के मध्य का ऊतक होता है वो कौन होता है? फिर से सुनिएगा, साइकस में पॉलन चेम्बर और आर्चिगोनियम चेम्बर के मध्य का जो टिश्यूज होता है वो कौन से टिश्यूज होते हैं? तो 39 में आप ऑप्शन करिएगा क्या सही होगा, तो वो है न्यू सेल्स। क्या है? न्यू सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटाइप इज द डुप्लीकेट ऑफ। आइसोटाइप किसका डुप्लीकेट होता है? तो बताइएगा, आइसोटाइप जो होता है वो डुप्लीकेट किसका होता है? तो ये क्वेश्चन पीजीटी का पेड क्वेश्चन है।
यूपी पीजीटी का ये पेड क्वेश्चन है, आइसोटाइप सिनटाइप होलोटाइप, इसे एक नेक क्वेश्चन पूछते हैं। तो 40 में आप कौन सा आंसर सही करेंगे? तो 40 का सही आंसर आप बताएं, सही आंसर है सी, होलोटाइप का। द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाय, बायोसिस्टमैटिक किसने दिया था? देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लीनियस, हॉपमैन, एंगलर और कैंप और गिली ने। तो बायोसिस्टमैटिक टर्म गिवन बाय 41 में तो बी है, कैंप और गिली ने। कैंप और गिली ने पहली बार जैव वर्गीकी शब्द को प्रतिपादित किया था, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय, तो ये दिया था मायर ने। 42 में क्या सही है? ए, मायर ने स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। आप हमारा जो टैक्सोनॉमी के नोट्स पढ़े हैं आप उनमें देखिएगा, एक आपको इसका ये हमने सॉल्व कराया, ये सॉल्व, यहाँ से कम आपके 10 क्वेश्चन फंसेंगे। तो टैक्सोनॉमी आप फोल्डर पे जाइएगा, वहाँ देखिएगा टैक्सोनॉमी नोट्स, वो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज इन बेंथम हुकर, तो बेंथम हुकर ने कितनी फैमिली में विभाजित की थी? तो ये था, बेंथम हुकर ने कितनी की थी, और ये जीआईसी में आया था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो एग्ज़ाम था उसमें आया था, और जीडीसी में आया हुआ है क्वेश्चन है। बेंथम हुकर ने कितने फैमिली में डिवाइड किया है? 43 आप आंसर करिएगा, तो डी है 199, कितने में डिवाइड किया, 199, और 204 में शायद हचिंसन की हैं, या एंगलर या फिर हचिंसन की हैं शायद 204, एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए हमने कहा। द अल्टरनेट नेम ऑफ द फैमिली पामी, पामी का जो अल्टरनेटिव नेम है वो क्या है? तो एरिएसी, एकरेसी, एपीएसी, एरिकेसी, तो इसका सही नाम क्या है? तो 44 में 7 फैमिलियों के नाम परिवर्तित किए गए थे, जैसे पोएसी, ग्रेमनी का पोएसी हो गया, और कंपोस्टी का ब्रेस्केसी हो गया, तो इस तरह से 7 फैमिलियों के नाम चेंज किए गए थे। तो देखिए क्वेश्चन रखा हुआ है, तो इसका सही है एरिकेसी, क्या है? एरिकेसी। द इंडियन बोटेनिकल गार्डन सीपुर हावड़ा वाज फाउंडेड फंडेड बाय, फाउंडेड लिखा हुआ, सॉरी फंडेड लिख रहा था, फाउंडेड बाय, तो ये कौन थे? रॉबर्ट विलियम किड, ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। विलियम रक्सबर्ग को बॉटनी का फादर बोलते हैं, इंडियन बॉटनी का फादर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडिला कुकर बिटेसियस प्लांट आर इंट्रीप्यूटेड स्पूल्ड स्टिप्यूल्स बाय, तो बताइएगा। तो 46 का सही आंसर क्या है? यानी कुकरबिटेसी पौधों के प्रातानों को अनुपण स्वरूप निर्वाचित किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो 46 का आप सही आंसर करिएगा, तो ऑप्शन बी सही है, एंगलर ने किया था। किसने किया था? एंगलर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आउट ग्रोथ फ्रॉम द इंटूगमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ओनली इज नोन एज, ये पीजीटी का पेट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में भी पूछा गया, टीजीटी में भी पूछा गया, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी पूछा गया है। तो सही आंसर है कैरेंकल, ये दिया हुआ है कैरेंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली पजेस पोलिनिया, पोलिनिया जो है आप जानते हैं एक्सेल पीडीएसी में इस तरह से संरचना दिखाई देती है पोलिनिया, तो ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन है, पीजीटी टीजीटी में 500 बार क्वेश्चन आया है, कॉमन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार आते हैं, लगभग हर बार आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आप मार्क करके रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? तो एक्सेल पीडीएसी तो कंफर्म है, अब इसके साथ दूसरी स्पीसीज लगी हुई है, तो अब उसको आपको देखना है कि उस पे से क्या सही है, तो वो सही है 48 का बी, ऑर्किडेसी एंड एक्सेल पीडीएसी, ये सही है पोलिडियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम इट इज कॉल्ड, तो उसे टाउटेनियम बोलते हैं, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 49 का ए है टाउटेनियम, और ये पीजीटी का
कई बार पूछा गया, ये तो केवीएस में भी रखा सेम टू सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉट फाउंड इन प्लास्टिड्स, इनमें से निम्न वर्णकों में से कौन लवक में नहीं पाया जाता है। तो आप बताइएगा जैंथोफिल और कैरोटीन, एंथोसाइनिन और क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या होगा? तो 50 का सही आंसर आप बताएं, तो इसका सही आंसर होगा बी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या होता है? टोनोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है जिसे टोनोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो ये आप फैक्ट को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज नॉट हैव डीएनए, इनमें से कौन सा ऑर्गेनल, ये पीजीटी में और टीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल डज नॉट हैव डीएनए। तो देखिए माइटोकांड्रियम डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पेरोक्सीसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्निथेरा इज 14, वाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। तो ये ट्रिप्लॉयड होता है, तो डिप्लॉयड में 7, 14 और 8, 21, तो ऑप्शन इसका कितना होगा बताएं आप? तो 52 का ऑप्शन कितना होगा? सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑर्निथेरा इज 14, 14 है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो क्या होगा? 21 होना चाहिए भाई, 7 और 7 ट्रिप्लॉयड होगा, ऑर्निथेरा लैमेरिकाना, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन प्लांट्स वेयर द क्रोमोसोम्स हैव डिफ्यूज सेंट्रोमियर, द ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स एट मेटाफेस इन माइटोसिस विल बी। उन पौधों में जिनमें गुणसूत्रों पर सेंट्रोमियर बिखरे हुए गुणसूत्रों की भुजाओं का सूत्री विभाजन में मेटाफेस अवस्था पर फैलाव होता है, तो एट राइट एंगल्स टू स्पिंडल एक्सिस, पैरेलल टू द स्पिंडल एक्सिस, विदाउट एनी डेफिनेट ओरिएंटेशन, द स्पिंडल वुड नेट ऑर्गेनाइज इन द केस, इसमें स्पिंडल का संयोजन नहीं होगा, स्पिंडल एक्सिस के समकोणी, इस पे क्या स्थित होगी आप बताएंगे? 53 पे क्या सही आंसर हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 53 का आंसर सी होगा, बिना किसी निश्चित दशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फुली मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया द स्पोर मास इज इनक्लोज्ड इन, बताएगा रिक्सिया की एक पूर्ण परिपक्व स्पोरोफाइट में स्पोर समूह घिरा होता है, तो स्पोर समूह किसके द्वारा घिरा होता है आप बताएंगे? वेंटर के द्वारा या थैलस जैकेट के द्वारा या पेरिकीटियम के द्वारा, तो आप बताएंगे किसके द्वारा घिरा रहता है? तो 54 का सही आंसर आप बताएं, 54 का सही आंसर होगा वेंटर से। ए एंथ्रीडियल चेम्बर कंटेनिंग ए ब्रांच ऑफ एंथ्रीडिया आर फाउंड इन, एक एंथ्रीडियल गुहा जिसमें एंथ्रीडिया गुच्छे में होते हैं पाया जाता है, बताइएगा एंथ्रीडियल गुहा जिसमें एंथ्रीडिया गुच्छे में होते हैं वो किसमें देखने को मिलता है? तो ये आप बताएं 55 में सही आंसर क्या है? तो 55 का सही आंसर होगा सी, एंथोसिलोस में। प्रयोगात्मक कक्षा में एक विद्यार्थी डिक्टियो स्टील एवं पॉली स्टील की अवस्थाओं में विभेद नहीं कर पा रहा है, सही पहचान के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी रचना तलाशनी चाहिए? तो आप बताएंगे उसको कौन सी रचना उसको तलाशनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 56 का जो आंसर होगा डी, लीफ ट्रेसेस तलाशनी चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पोजिशन ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन द माइक्रोस्पोरोफिल्स ऑफ पाइनस, पाइनस में माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया की स्थिति होती है तो कैसी होती है?
अब बताएंगे इसकी स्थित कैसी होती है। तो 57 का ये एबैक्सियल होती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द टू कार्पेल्स आर फ्यूज्ड ओनली एट द स्टिग्मा द ओवरी एंड स्टाइल बीइंग फ्री। निम्नलिखित कुल में से किसमें दो कार्पेल केवल स्टिग्मा से जुड़े होते हैं, ओवरी स्टाइल स्वतंत्र होते हैं। तो इसमें बताइएगा कि उसमें कैसे कौन सा ऐसा प्लांट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 58 का सही होगा डी, एक्सएल पीडीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीएनए सीक्वेंस इन लैक जीन शोज द म्यूटेशंस वेयर द मिडिल बेस ऑफ ट्रिपलेट कोड हैज बीन सब्सटीट्यूटेड। हाउ एवर द जीन डज नॉट शो एनी म्यूटेशन एंड एक्सप्रेशन नॉर्मल दिस में बी ड्यू टू लेक जीन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम में एक उत्परिवर्तन परिलक्षित है जिसमें ट्रिपलेट कोड का मध्यक्रम का बेस स्थानापन्न है। यद्यपि जीन कोई उत्परिवर्तन नहीं दर्शाता है, सामान्य लक्षण में उत्पन्न करता है, यह संभव है। किसके द्वारा संभव है? तो आप बताएंगे इसका सही आंसर 59 का क्या होगा। तो 59 का सही आंसर होगा डी, कोडान का डिजेनरेसी के कारण, द डिजेनरेसी ऑफ कोडान, ऑप्शन इसका है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टेट्राप्लॉइड 4n स्त्री पौधे का एक डिप्लॉइड 2n नर पौधे के साथ संकरण कराया जाता है, संतति का भ्रूणपोष कैसा होगा। तो बताएगा संतति का भ्रूणकोष कैसा होगा। तो संतति का भ्रूणकोष आप बताएंगे कैसा होगा 60 का। तो 60 का सही आंसर आप बताएं तो 60 का होगा बी, 5n। कैसा होगा? 5n। तो आंसर इसका होगा 5n। ये कैसे होगा ये भी हम आपको समझा दें कि देखिए इसका जो गैमेट मतलब 2n होगा तो इंडो ये एम्ब्रियो सैक भी इसका 2n होगा, इसके जो पोलर न्यूक्लियाई भी होंगे तो 2n ये पोलर न्यूक्लियाई होगा और 2n ये पोलर न्यूक्लियाई होगा, और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4n। तो ये मिल गए 4n। अब इसके बाद इससे एक गैमिट n जो हुआ इस प्लांट का वो आके मिलेगा तो टोटल कैसा होगा 5n। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणविक रोग है। Which of the following is a bacterial disease? Club root disease of crucifer, angular leaf spot disease of cotton, leaf spot disease of turmeric, और wilt होगा, wilt disease of tomato। तो इसका कौन सा disease जो है वो बताएंगे कि इसमें से कौन सी disease है जो bacterial होगी। तो 61 का जो सही option होगा वो होगा B, angular leaf spot disease of cotton, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर लीफ डिजीज ऑफ कॉटन, और ये किससे होता है? ये होता है जैंथोमोनास सीट्री के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। और ये पहली बार 1891 में यूनाइटेड स्टेट्स पर इस पर काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग काज द क्राउन गाल इज प्लांट। तो क्राउन गाल कौन उत्पन्न करता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द सिनकाइट्रियम एंडोबैटकम। तो वर्ल्ड डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम एंडोबैटकम रेड रॉट ऑफ डिजीज। तो ये होता है फैलकेटम के द्वारा, कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। और पाउडरी जो मिल्डवी होती है ये होती है इराइस्पी पॉलियोनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द क्रॉप। तो बताएगा तो वो है आपका बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ये कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके केवीएस 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लगभग 20 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। आप इसको देखिएगा, अपनी तैयारी को बना के रखिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।